मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना के बाद से लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक ज्यादा हो गए हैं। हर व्यक्ति अब अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने की सोचते हैं, लेकिन समस्या यह है कि पेड़ पौधे कहाँ से मिलेंगे। ऐसे में पेड़ पौधे के दादा के नाम से मशहूर जमशेदपुर के सोनारी के रहने वाले सुनील आनंद निःशुल्क पेड़ पौधे को बांटते हैं। वो हर रविवार को यह इसके लिए कैंप भी लगाते हैं और इस कैंप के माध्यम से वह लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं। सुनील आनंद अपने घर के आंगन में पेड़ पौधों को अपने बच्चों के द्वारा पालते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। किस पौधे को कितना पानी और खाद की आवश्यकता है इसका भी खास ध्यान रखते हैं। अपने हाथों से स्वयं इन सभी पौधों की देखभाल करते हैं। इनके पास औषधि से लेकर फल फूल वाले सैकड़ों पौधे मौजूद हैं। इसके बावजूद लोगों को निःशुल्क पौधे देने के लिए जिले के विभिन्न नर्सरी से पौधे लगाकर जरूरतमंदों को देते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ वर्ष में एक बार पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे लगाकर अपना कर्तव्य निभाने से बेहतर है कि पौधों की उचित देखभाल करें कि जिससे भविष्य में सबके लिए वो लाभदायक हो। वे कहते हैं कि लोग पौधे लगाकर इनकी देखभाल नहीं करते हैं, जिससे कुछ दिनों में ही पौधे नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति में घास से लेकर सभी पौधों में एक औषधि तत्व होता है जिसकी पहचान और संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से भी अनुरोध किया कि वे पर्यावरण के प्रति सजग हों और एक रेगिस्तान और बंजर भूमि पर हरियाली लगाने की बात करते हैं और दूसरे हरियाली क्षेत्र को नष्ट करने से कई महत्वपूर्ण पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसके संरक्षण के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। सुनील आनंद पिछले 15 वर्षों से इस अभियान में जुड़े हुए हैं। वे किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो वहां पर मौजूद लोगों के बीच पौधे देना नहीं भूलते। अब तक 1,00,000 से ज़्यादा पौधे वे बांट चुके हैं। लोगों से अपील करते हैं कि पेड़ पौधे की देखभाल करना ही सच्चा मानव धर्म है और एक पेड़ से मनुष्य सहित सैकड़ों सैकड़ों जीव पशु पक्षियों को लाभ होता है, इसलिए हर एक व्यक्ति एक पौधा ज़रूर लगाए। से जो है कि पर्यावरण को लेकर आप अभियान चलाते आए हैं। देखिए, पर्यावरण दिवस केवल दिखावा मात्र होने से पर्यावरण का कल्याण नहीं होगा। साल में एक दिन केवल पर्यावरण दिवस मना लेने से आप ही सोचिए इससे क्या होने वाला है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका सोच नहीं क्लियर होगा कि हमको करना क्या है, किस तरह का काम करना है पर्यावरण को लेकर के, तब तक कुछ नहीं होगा। एक पौधा केवल पर्यावरण दिवस पे लगा दिए, छोड़ दिए, उसका कोई लालन पालन देख भी भाल भी नहीं होता है, लोग भूल जाते हैं, फिर साल भर के बाद याद आता है, फिर पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो दिखावा करने से नहीं होगा, कम से कम इस काम को लेकर के दिखावा करने से नहीं होगा। और पर्यावरण दिवस के आज अवसर पे आपको एक बहुत बड़ा एक गुप्त बात बता रहा है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि रेगिस्तान को और जो मरुस्थल है उसको आप मतलब उसका उसमें हरियाली लाने का बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो आपका हरा भरा क्षेत्र था उसको आप रेगिस्तान बना रहे। कैसे? बहुत सारा ऐसा पौधा है, बहुत सारा ऐसा लता है, जो घास है, जो कि धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, वो पता नहीं है, सब जांच का विषय है। इन सब चीज़ों को जब तक संरक्षित करके एक जगह नहीं रखिएगा, तब तक पर्यावरण का कभी कल्याण संभव नहीं है। पेड़ पौधा को परिवार के रूप में स्वीकार करना होगा और परिवार का अपना सदस्य मानना होगा। मनुष्य को मानवता ही चरम आदर्श नहीं है, नव्य मानवतावादी विचारधारा। इसका मतलब हुआ जितने पेड़ पौधे हैं सबको परिवार के रूप में, भाई बहन के रूप में स्वीकार करना होगा, तभी प्रकृति का कल्याण संभव है। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, आज तक वही होते आया है। और जो भी पेड़ पौधा है, एक बहुत गंभीर बात है कि बहुत सारा ऐसा पौधा है जिसका कि स्थान जंगल में है, पहाड़ में है, वो पौधा मैदानी इलाका में घर के आसपास लगाने से उसका उतना फायदा नहीं होता है, उसका मेडिसिनल यूज बहुत है। जैसे यूकेलिप्टस, जितना भी पृथ्वी पर जितना भी पेड़ पौधा गुल्म लता है, सबका अपना एक वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है। इसलिए आप एक नहीं बोल सकते हैं कि सबका मेडिसिनल वैल्यू, कौन ऐसा पौधा जिसका मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, असंख्य है जी, उसका कोई और रिसर्च का सब्जेक्ट है, सब चीज रिसर्च का है, इसपे बहुत बड़ा शोध का विषय है और इसपे होना चाहिए। हमारा धरोहर के रूप में हम जब तक इसको रखेंगे नहीं संरक्षित। पिछले 15 साल से हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे जो नर्सरी है उससे बहुत कम कीमत पर पौधा लाते हैं और लोगों के बीच में बांटते हैं। कुछ पौधा अपने भी हम उसको उपजाते हैं
और उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट, इसलिए बोले बार बार क्लियर रहना चाहिए। अब सोचिए कि जो एक फ्लैट में रहने वाला जो आदमी है वो तो बड़ा पेड़ नहीं लगाएगा, एक घास का एक तिनका भी जो है पृथ्वी का गर्मी को कम करने में सहायक साबित हो सकता है, तो उसको गमला का पौधा देना होगा। कितने पौधे अब तक आप बांट चुके हैं? 1,00,000 से ज्यादा पौधा अभी तक बांटा जा चुका है, क्योंकि जितना भी हमारा आनंद मार्ग का कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में हम लोग पौधा बांटते हैं। ब्लड डोनेशन हुआ, आई कैंप हुआ, कहीं पर कीर्तन का आयोजन हुआ, वहाँ पर लोग सभी जानते हैं लोग यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।